हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल बेस्ड एजेंट्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट्स को, तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इट इज अ एक्सपेंशन ऑफ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। मतलब जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कर सकता है वो तो ये करता ही करता है, प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आप मॉडल बेस्ड एजेंट को जरूर पढ़ लें और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि मॉडल बेस्ड एजेंट्स काम कैसे करते हैं। उसमें भी मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से ही उसको रिलेट किया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यही है कि इट इज एक्सपेंशन ऑफ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन डिजायरेबल सिचुएशन। सो व्हाट इज अ डिजायरेबल सिचुएशन? इट इज अ गोल। मतलब कि यहां पे अगर हम बात करें तो ये दो चीजें तो ऑलरेडी हमारे पास मॉडल बेस्ड में थी, कि मॉडल बेस्ड का जो बेसिक पर्पस क्या है या बेसिक वो कैसे चलता है, वो चलता है करंट परसेप्शन के ऊपर प्लस हिस्ट्री के ऊपर। मतलब जो उसने करंटली परसेप्ट किया सेंसर्स के थ्रू और जो उसके पास एक नॉलेज बेस है, पास्ट हिस्ट्री है, उन दोनों के मिक्सचर से वो एक्शंस को परफॉर्म करता है। लेकिन इसमें पैरेलली एक और चीज है, वो क्या है? गोल। मतलब जो आपकी आउटपुट है, यहां पे इनपुट आपको कुछ करनी है और आउटपुट आपको ऑलरेडी पता है। तो जहां पे इनपुट और आउटपुट आपको दोनों पता हो उसको बोलते हैं हम सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये एक तरह से सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही एग्जांपल है, जिसमें आपको गोल स्टेट ऑलरेडी पता है और आप अपने माइंड में गोल स्टेट को लेके ही पैरेलली चल रहे हो। और यही ह्यूमन बींग की प्रॉपर्टी है। ह्यूमन बींग क्या करता है? अपनी करंट सिनेरियो को देखता है, पास्ट हिस्ट्री को यूज करता है और गोल स्टेट क्या है, मुझे कहां पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, उसकी पूरी तैयारी जो है वो करता है। तो यहां पे जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी टेक्निक है गोल बेस्ड एजेंट की, ये बेस्ड है इन दोनों के ऊपर, दैट इज अ सर्चिंग एंड प्लानिंग। तो यहां पे हम एक एक्स्ट्रा चीज एजेंट्स को, जो इंटेलिजेंट एजेंट्स हम बना रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, दैट इज अ प्लानिंग। मतलब गोल स्टेट पर पहुंचने के लिए उनको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक सिंपल से एग्जांपल से अगर हम बात करें, लेट्स से आप ले लद्दाख का टूर बना रहे हो बाइक के थ्रू, तो यहां पे आपको पता है कि आउटपुट आपकी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है आपकी, लद्दाख। और यहां से लेट्स से दिल्ली से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको करंट सिनेरियो पता है, आपको पास्ट हिस्ट्री पता है, पास्ट में हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं और हिल स्टेशन पे जा चुके हो, मे बी आप बाइक पे गए हो या बस के थ्रू गए हो, जैसे भी आप गए हो आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज बेस बना हुआ है कि आपने पास्ट में क्या क्या किया था। लेकिन जो आपकी गोल स्टेट है उस पर पहुंचने के लिए आपको पहले सर्चिंग करनी पड़ेगी। सर्चिंग में क्या होगा, आपको रूट फाइंड करने पड़ेंगे, बेस्ट रूट कौन सा है। ऑब्वियसली आप लॉन्ग रूट की बजाय बेस्ट रूट फाइंड करोगे और ऐसा रूट जहां पे आपको डेफिनेटली सिक्योर भी रहे और फन भी हो। तो यहां पे आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे जाना है, कौन से बाइक को चूज करना है, बाइक में कहां कहां पे आपको रास्ते में रुकना है, कौन कौन से फिलिंग स्टेशन आएंगे रास्ते में, कैसे आपको पूरा पूरा प्लान करना है। ये चीजें जो है गोल बेस्ड का जो मेन पर्पस है, दैट इज अ सर्चिंग एंड प्लानिंग। तो यहां पे अगर हम बात करें तो वही हमारे पास इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से सबसे पहले सेंसर्स ने सेंस किया, कुछ परसेप्ट किया और दैट इज नोन एज व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। मतलब करंटली सिचुएशन क्या है। अब हमारे पास आती है उस स्टेट को हम सेव कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग जो क्या करता है कि करंट में जो उसने देखा या सुना उसको उसने टेम्परेरली एक बार सेव कर लिया और उसको रिलेट किया अपनी हिस्ट्री से। मतलब हिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन हुई थी, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, मतलब पास्ट का पूरा सिनेरियो देखा। लेकिन इसके अलावा यहां पे मेरे पास तीसरी चीज क्या है, दैट इज अ गोल। गोल मतलब आपको कहां पे पहुंचना है, आपका हर स्टेप आपको गोल के नजदीक लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा, इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो गोल बेस्ड एजेंट काम करते हैं। तो इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो अमेजोन ने बहुत सारे इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाए हैं, लेकिन आपने अगर अलीबाबा कंपनी का नाम सुना, चाइनीज कंपनी है अलीबाबा, तो उन्होंने एक G+ करके रोबोट्स बनाए हैं जो ऑटोमेटिक डिलीवरी करते हैं पैकेट्स की घरों में जाके। ऑलरेडी वो टेस्टिंग स्टेट में चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें G+ की, तो G+ जो है एक गोल बेस्ड एजेंट का ही एग्जांपल है, जिसमें वो कैसे पैकेट्स को रखना है, कैसे पैकेट्स को डिलीवर करना है, कौन से राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, दैट इज माय गोल स्टेट। लेकिन वो पहुंचना कैसे है, वो सारा
सारा जो सिनेरियो है वो जी प्लस जो है वो एक गोल बेस्ड एजेंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे ये तीन जो है वो मेन पॉइंट्स है। ऑल्दो ये थ्योरेटिकल मॉडल है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी इंप्लीमेंटेशन होती है किसी चीज की वो एक थ्योरेटिकल इक्वेशन के बेस पे ही होती है। तो ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, लेकिन इसी के ऊपर ही सारे के सारे इंटेलिजेंट एजेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू।